अंदर जाके। लेकिन नाराज होके आसमान से गिरा, अगर नाराज होके जाना है तो अग्रम के पास मत जाओ, आओ भारी के भारी साहब के साथ मत रहो, कादमी के साथ मत रहो। लेकिन साहब के वोट को मैं टच नहीं करना चाहता, एनसी के वोट को मैं टच टोटली नहीं कर रहा हूं। उसको कहां लाना है, क्या पसंद कर लो, एक अच्छा अच्छा एक पहाड़ी पसंद कर लो, बड़ा अपोजिशन पहाड़ी खड़ा हो जाता एक बार। दूसरा 12,000 अकरम को ना जाता तो वो जीत जाता, एक पहाड़ी जीत जाता और एक पहाड़ी मजबूत अपोजिशन खड़ा हो जाता। कभी जिंदगी साहब ने कहा कि हम भी किसी पार्टी से, हम पार्टी से हैं, अगर हम पार्टी से मुंसलिक रहेंगे पार्टियां कभी एक नहीं होने देंगी, क्योंकि उन्होंने अपना मंडेट लड़वाना है, उन्होंने अपना प्रचार करवाना है, कोई जीते या ना जीते पार्टी का प्रचार होना जरूरी है, उनका वोट के प्राइवेट बढ़ाने उनका जरूरी है, चाहे यहां से 500 वोट जाए लेकिन पार्टी का वोट तो बढ़ रहा है। ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, कोई कहता है समान जब्त होगी, भाई होगी पार्टी की तो बढ़ती हूँ, लवार भी हूँ, जुंजुआ भी हूँ, मनास भी हूँ, मलक भी हूँ, हर कम्युनिटी से एक एक हम इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे। मैंने पिछली मीटिंग में लिखा था, आज भी वादा होगा कि कसम कर सबसे पहला इंसान मैं हूँगा अशफाक। असेंबली का स्पेशली और पार्लियामेंट इलेक्शन उसके मुतालिक हमने ये लोग बुलाए हैं, डिफरेंट अपने मेनली पहाड़ी लोग जो इस इलाका के हैं, तो पूरा सुरनकोट के कलाई से लेके किसाना तक और मंडी के लोग भी मिलाए इसमें आते हैं और पीर पंजाल तक ये लोग बुलाए हैं, ताकि हम आने वाला इलेक्शन में किस एक स्ट्रेटजी बनाएं कि किस तरह ये इलेक्शन हमने जीतना है। क्योंकि इस वक्त हमारे लोग जो हैं यहाँ 75-70% हैं और दूसरी तरफ 30% जो लोग हैं वो ये सीट जीत जाते हैं और हम हार जाते हैं, इसीलिए हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है, आज एक नया अमल बनाना है लोगों को यूनाइट करके कि इस बार जो सीट हम निकालें और ताकि लोगों को के काम हो सके। पिछले 70 साल से हम इसी तरह बिछड़े रहे और बिखरे रहे और हमारे लोगों के काम नहीं हुए, हमें शेड्यूल ट्राइब नहीं मिला, हमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिली, हमारे बच्चे पीछे रह गए, कोई IAS IPS ऑफिसर नहीं बना, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर्स और दूसरे, हम स्पेशली हमारी फ्यूचर जो है बर्बाद हुआ है और उसके लिए हम फाइट करने के लिए हमने ये मीटिंग बनाई है, ताकि हमारे लोग सियासी लोग आज सामने आएँ, MLAs आएँ, कम से कम 8 MLAs जो हमारे राजारीपुंज से हम जीत सकते हैं 7, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी है यहाँ और हमारा जो आवाज़ जो आगे जाए, हम शेड्यूल ट्राइब और दूसरी चीज़ें अपने कौम के लिए हासिल कर सकें और अपने बच्चों का फ्यूचर बना। किसी कौम के, किसी शख्स के, किसी आदमी के या किसी जात या किसी बरदरी या किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारा यह है कि सुरनकोट के अंदर एक पहाड़ी लोग बहुत बिखर चुके हैं, उसकी वजह यह है कि अमरोड के लोग, चाहे वो मुश्ताक भारी साहब हों या पाल काजमी साहब हों या कोई भी शख्स, हमने हमेशा इन लोगों को वोट दिए और ख़ास करके बहारी साहब, जबकि 1996 में इलेक्शन हुआ तो और हमने लोगों की मिनताजी करके हमने लोगों को इकट्ठा किया और 28 जोर वोट दिलाया। भाई हमारी मीटिंग अंदर चल रही है इस पर और हमारे लोग कह रहे हैं कि 28 से 18 पर पहुँचे उसकी वजह क्या है और 18 से लगता है कि 10 या 12 या 8 पर पहुँच जाएंगे, उसकी वजह यह है लोगों की नाराज़गी। जब 5 साल इलेक्शन को हो जाते हैं, 5 साल के बाद जो 6वां साल 6ठा साल होता है उसको बुखारी साहब आते हैं पूछने के लिए, किसी की भैंस मर गई है, किसी की भेड़ मर गई है, किसी का घर की दीवार गिर गया, पता करें ये कैसे गिरी है और कैसे ये मौत हुई। ये 5 साल बिल्कुल गायब रहते हैं और लोगों की ज़बरदस्त नाराज़गी है। नंबर दो, अगर एक ही ख़ानदान से 2-3 आदमी खड़े हो जाएँ तो लोग ये सोचते हैं कि हम इसको दें कि उसके दें, है तो सारे पीर ही हैं और इस वक्त आम जो लोग हैं